हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा, वेर वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। माय सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बेटा? आज हम इस वीडियो में वेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है? तो ये काफी डिफरेंट पार्ट्स में ये वीडियो बनाई जाएगी। जो पार्ट वन है, उस पार्ट वन में आज क्या स्टडी करेंगे? पार्ट वन में हम ये स्टडी करेंगे कि वेक्टर्स होते क्या, इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक्स को, ठीक है? क्या कैसे हम यूज करते हैं इन्हें। फिर हम देखेंगे वेक्टर्स के दो टाइप्स हैं मेजरली यहाँ पर, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है? ये एक जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन के बेसिस पर हमें डिवाइड किया है, ठीक है? हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है? बाकी हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स को स्टडी करेंगे कि कॉस्मिड, प्लाज्मिड और फाजमिड, ठीक है? तो कुछ आर्टिफिशियली क्रिएटेड करे होंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इस तरह से हम आगे फर्दर पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक? फिर हम देखेंगे कि मेनली क्लोनिंग वेक्टर इस मेनली क्या होता है, किसी भी आपको पता होगा, थोड़ा सा पढ़ के आएंगे पहले से कि कोई भी हमारे पास टारगेट डीएनए है, ठीक है? टारगेट डीएनए, टारगेट जीन है, तो उसे यूजुअली कि हाँ भाई इसके में या दो काम हो सकते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए कि ये एक सर्टेन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो मुझे प्रोटीन चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या कराऊंगा कि मैं इस टारगेट जीन को किसी ना किसी वेक्टर में इंसर्ट करूंगा, ठीक है? फिर इसमें किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो वहां पर जब रेप्लीकेट होगा और ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट करेगा, तो हमारा क्या प्रोड्यूस कर देगा? प्रोटीन। तो मुझे इन शॉर्ट मुझे प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। या फिर मुझे क्या होगा कि मेरे को टारगेट डीएनए की मेरे को कई सारे मल्टीपल कॉपीज चाहिए, ठीक है? कि मैं ताकि फर्दर के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकूं, क्लियर? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम कहते हैं कि हम क्लोन करा रहे हैं जीन को, क्लियर? जीन क्लोनिंग बेसिकली। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लोनिंग वैक्टर में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक? तो वही क्लोनिंग वैक्टर के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। तो अब देखो वैक्टर्स, जैसे मैंने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस तो करा दिया, ठीक? तो हमने क्या देखा कि ये बेसिकली क्या हो रही है, जीन क्लोनिंग हो रही है, ठीक है? अब जीन क्लोनिंग दो तरह से हो सकती है, या तो हम इन विट्रो करा रहे हैं ये काम, या फिर हम इन वीवो करा रहे हैं, ठीक है? इन वीवो जो मैंने बताया अभी, ठीक है, कि हमारे पास कोई टारगेट जीन है, टारगेट डीएनए है, ठीक है? उसे हमने क्या किया, उसे हमने किसी ना किसी वैक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक? जैसे आपको पता है कि प्लाज्मिड एक वैक्टर ले लेते हैं, ठीक है? बिकॉज वो ऑटोनोमसली रेप्लीकेट कर पाता है खुद पे, मतलब ये नहीं कि किसी इसे किसी की जरूरत है रेप्लीकेट करने के लिए, ये खुद से रेप्लीकेट कर सकता है बेसिकली। तो टारगेट जीन को हम किसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उस प्लाज्मिड से जब इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या बन गया, हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया, ये सारे स्टेप अभी समझना, आगे फिर यूज होगा, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम किसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी ना किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? बिकॉज प्लाज्मिड के पास सारा मशीनरी थोड़ी है, ठीक, ट्रांसक्राइब कराने का, ट्रांसलेट कराने का, क्लियर? ये डुप्लीकेट जरूर कर सकता है, बट ट्रांसलेट कराने के लिए तो आपको फर्द चाहिए होगा ना, वो सेल की मशीन चाहिए होगी, ठीक? तब क्या होगा बेटा कि अब ये होस्ट सेल के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, इंट्रोड्यूस कराने के बाद होस्ट सेल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल बन जाएगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल बन जाएगा, क्लियर? अब इस ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल के अंदर बैक्टीरियल का खुद का तो डीएनए है ही, लेट से, ठीक है? और प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होगा और ये ऑटोनोमसली रेप्लीकेट करता है, ठीक? तो ये होस्ट सेल के जीनोम पर प्रेजेंट नहीं है रेप्लीकेट करने के लिए बेसिकली, ठीक है? तो हमें मल्टीपल कॉपीज यहाँ से मिल जाएंगी कि अपने मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करेगा, जब खुद डिवाइड करेगा तो भी हमारा जो जीनोम टारगेट डीएनए है वो खुद वो भी रेप्लीकेट होगा, ठीक है? और इस तरह से हमारे इसे हम जीन क्लोनिंग, ठीक है? फर्दर हम इसका एक्सप्रेशन भी करा सकते हैं, ठीक है? वो हमारा फिर फर्दर आगे का एक्सप्रेशन वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है, हमारा इन वीवो मेथड होता है, और स्ट्रिक्टली जीन क्लोनिंग टर्म इसी मेथड के लिए यूज की जा सकती है, ठीक है? बट सेम चीज की मुझे किसी जीन को क्लोन कराना है तो मैं इन विट्रो भी कर सकता हूँ। कैसे इन विट्रो कर सकता हूँ मैं, इज अ पीसीआर, ठीक है? आपको पता है क्या करेंगे, डीएनए सेगमेंट लिया, ये टारगेट डीएनए लिया, उसे डीनेचुरेट करा दिया। डीनेचुरेट कराने के बाद हमने क्या किया कि उसमें एनिलिंग करा दी प्राइमर की, प्राइमर की एनिलिंग कराने के बाद एक्सटेंशन करा दिया। तो इस तरीके से मेरे को अभी भी काम तो वही हो रहा है कि टारगेट जीन की मेरे को कॉपीज मिल रही है मल्टीपल, ठीक है? तो इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि जो वेक्टर है ना, अच्छा पीसीआर वाले केस होते हैं बिकॉज वो इन विट्रो केस है, ठीक है? तो इन व्यू में मैं क्या देख रहा हूँ कि वेक्टर है व्हीकल की, ऐसा ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है? किसके लिए, टारगेट डीएनए के लिए। क्यों, कहाँ लेके जा रहा है, ये होस्ट सेल में इसे लेके जा रहा है, ठीक है? अल्टीमेटली मैं ट्रांसपोर्ट होस्ट सेल में डाला, ठीक है? ताकि मैं इसे वहां पर क्लोन करा सकूं, इस जो भी टारगेट डीएनए है या फिर एक्सप्रेस करा सकूं, ठीक है? अगर क्लोनिंग क्लोन कराने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ टारगेट डीएनए को, तो मैं कहूँ क्लोनिंग वेक्टर्स,
अगर एक्सप्रेस कराने के लिए मैं यूज करता हूँ कहूंगा एक्सप्रेशन वेक्टर्स। ठीक, अब ये जो जैसे मैंने बताया ये प्लाज्मिड भी हो सकता है, अधिकतर प्लाज्मिड हम यूज करते हैं और उसके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कौन कौन से हम प्लाज्मिड यूज करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, इवन बैक्टेरियोफाज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, वायरल डीएनए लिखा है तो हम बैक्टेरियोफाज को यूज कर लेते हैं बेसिकली इस चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कैसा जब फाजमिड हो गया। ठीक है, तो हम ऐसे आपको कैसे मिलेंगे कि इसके साथ कुछ फाज के कंपोनेंट भी हैं, कुछ प्लाज्मिड के कंपोनेंट्स भी हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपने यूज के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं बेसिकली। अब आता है हमारे पास, अगर हम क्लोनिंग वेक्टर है तो उसके कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो सबसे पहली बात, उसके पास खुद से रेप्लीकेशन करने की, ऑटोनॉमस रेप्लीकेशन करने की उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए कि इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन प्रेजेंट हो, जहां से इनिशिएट कर सके रेप्लीकेशन को। ठीक है, खुद का होना चाहिए इसके पास। तो वही मैंने बताया कि जब खुद रेप्लीकेट करेगा, तो अब बिकॉज हमने इसके जीनोम में क्या इंसर्ट कर दिया, टारगेट जीन इंसर्ट कर दिया, तो साथ के साथ टारगेट जीन का भी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो एज अब उसका ही प्लाज्मिड के एज इंटीग्रेट पार्ट कंसिडर कर रहा है। क्लियर। फिर आता है यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होने, जैसे मैंने अभी बताया इंसर्शन क्लोनिंग के अंदर कि हम ये इंसर्ट भी तो करेंगे ना, इसमें हमने मैंने कहा कि टारगेट जीन को अपने इंट्रोड्यूस करते हैं वेक्टर में। कैसे इंट्रोड्यूस किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लेट्स से मेरे पास मेरे पास ये मेरा वेक्टर है। ठीक है, और ये मल्टीपल कॉपीज, और ये मेरे पास क्या है यहाँ पे पर्पल कलर से, लेट्स मेरा सोर्स है डीएनए का, जहां से मैं डीएनए ले रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट पर्टिकुलर ये वाला सेगमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं इसमें वीडियो वाइज अपलोड कर रखी है ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम पर, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगा, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस में यहाँ वेक्टर में भी क्लीव लगा देगा। ठीक है, वेक्टर में भी क्लीविंग कर देगा और इसके अंदर भी क्लीविंग कर देगा। ठीक है, जो हमारा सोर्स है टारगेट डीएनए का। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये दो साइट्स प्रोड्यूस हो गई इस तरह से। मेरे पास यहाँ पे एक साइट प्रोड्यूस हो गई और मेरे पास मेरा क्या आ गया, मेरे पास मेरा टारगेट डीएनए आ गया। ठीक है, जो कट किया हुआ है, अब वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकता है आराम से। ठीक है, और फिर मैं इसे लाइगेट करा दूंगा डीएनए लाइगेस यूज करके। ठीक, तो इसके पास अब ये इसका खुद का इंटीग्रल पार्ट है। तो जब हमारा ये यहाँ पे लेट से ओराय प्रेजेंट है, तो जब खुद रेप्लीकेट करेगा तो इसे भी रेप्लीकेट कर देगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट कराया, जो भी हमारा टारगेट डीएनए है, इसकी हेल्प से रेस्ट्रिक्शन साइट की हेल्प से हमने इंट्रोड्यूस करा इस चीज को। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, फर्दर लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया टारगेट जीन को किससे, वेक्टर से। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर हमारा था जेनेटिक मार्कर टू सिलेक्ट द होस्ट सेल कंटेनिंग द वेक्टर। देखो ये चीज मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। अब देखना है इस वाले केस में, अब मेरे पास क्या है, इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मेरे पास मेरा कोई भी सोर्स है। ठीक है, ये मेरे पास डीएनए है। ठीक, और यहाँ पे मेरे पास मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है। ओके, अब क्या होगा कि जैसे वही सेम चीज हमने करी कि हम पहले क्या करेंगे, और देखो ये सब काम आप इस तरह से देखो कि लेट्स से मेरे पास ये एक प्लेट है। ठीक है, मेरे पास ये पेट्री डिश है। ठीक है, पेट्री डिश है, कोई वायल है, मैं जिसमें कराने की काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर प्लाज्मा डाल दिया। ठीक है, मैंने प्लाज्मा डाल दिया उसके अंदर। ठीक, माइक्रोपेपेट से लेके फिर मैंने उसके अंदर क्या डाल दिया, मेरा टारगेट डीएनए डाल दिया। ठीक है, टारगेट डीएनए डाल दिया मैंने अपना उसके अंदर। ठीक है, फिर मैंने तीसरा काम क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दी। ठीक है, क्या करने के लिए, जो मैं सेम प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाला जो है जो सारा प्रोसीजर है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक, ये मैंने आपको यहाँ पे ये चीज हम कर रहे हैं वहां पे। ठीक, ये सारा क्लियर। तो अब क्या होगा कि कुछ प्लाज्मिड ऐसे होंगे। ठीक है, मैं इसमें इंसर्ट करा रहा हूँ इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, लेट्स से इस सेगमेंट को मुझे इंसर्ट कराना है इसमें। ठीक है, तो मैं सेक्शन साइट्स यूज करूंगा। ठीक है, सेम सेक्शन मैं यूज करूंगा ताकि इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। अब जरूरी थोड़ी, अब हमने मैंने वहां तो देखा था इंसर्ट हो गया, अब जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे प्लाज्मिड जो है वो अब उसमें इंसर्शन हो जाएगा इस चीज का, जिनमें हमारा टारगेट डीएनए है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको कैसे पता कि उसके अंदर इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ,
कई सारे केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो वैसे ही बने रहेंगे, लेकिन कुछ केसेस में क्या होगा, वो इंसर्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपको जो टारगेट जीन है वो देखने को मिलेगा। तो अब क्या इस चीज को हम कैसे पता करें, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा कहलाएगा नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ओके, मैं पूरा लिख दे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ठीक प्लाज्मिड, ठीक है, जबकि ये क्या होगा हमारा, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, क्यों, बिकॉज इसके पास हमारा टारगेट जीन है, ठीक है। बट अभी ये दोनों ही पड़े हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, हमारा वायल के अंदर, ठीक है, हमारे पर्टिकुलेट के अंदर दोनों चीजें पड़ी हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब मुझे फर्दर क्या कराना है कि अब मैं होस्ट सेल के अंदर उनको इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर होस्ट सेल भी डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं होस्ट सेल भी लेकर आ गया, ठीक, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया होस्ट सेल, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे मैंने जो हमने एक सीधी कहानी सीखी थी, भाई होस्ट सेल पिकअप कर लेगा, अब जरूरी थोड़ी कि सारे के सारे होस्ट सेल पिकअप कर लेंगे, कैसे होस्ट सेल ऐसे भी उन्होंने पिकअप नहीं किया होगा, ठीक है, इस सिस्टम का तो पूरा मिक्सर पड़ा है ना, हमें नहीं पता। अब मैं यहाँ से माइक्रो पिपेट से लेकर सोल्यूशन ले लूँ, मुझे कैसे पता उसके अंदर वो जो होस्ट सेल मैंने पिकअप किया है उसके अंदर मेरा मेरा प्लाज्मिड प्रेजेंट है और मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है, हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट अपटेक कर लिया हो। तो तीन चीजें हो सकती हैं, देखो, अगर होस्ट सेल मैंने उसके अंदर डाला, या तो होस्ट सेल जो है, तीन चीजें हो सकती हैं, या तो होस्ट सेल अपटेक ही ना करे, ठीक है, होस्ट सेल अपटेक ही नहीं करेगा हमारा प्लाज्मिड को, अगर प्लाज्मिड का अपटेक होगा ही नहीं, तो ऐसा होस्ट सेल कैसा होगा, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ठीक, नॉन ट्रांसफॉर्म। अब हो सकता है बेटा वो अपटेक कर ले, अगर उसने अपटेक कर लिया तो हम क्या, मैं क्या कहूंगा, ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल तो है, ठीक है, बट अब हमारे पास उसमें तो दो चॉइसेस प्रेजेंट है, ठीक है, हो सकता है उसने नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अपटेक कर लिया, ठीक है, तो उसे हमने इतनी मेहनत भी करी लेकिन उसके अंदर हमारा जो टारगेट जी रहा तो है ही नहीं प्रेजेंट, समझ रहे हो, तो ये सारा सारा हमारा सारे साथ पूछ वेस्ट जाएगा, ठीक है। हमें पता होना चाहिए हम कैसे सेलेक्ट करें, कैसे स्क्रीन आउट करें कि जो मैंने होस्ट सेल उठाया है वो वही होस्ट सेल है जिसके अंदर मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये हम कैसे इंश्योर करें, तो उसके लिए सर्टेन मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। मार्कर्स हम क्यों करते हैं, सर्टेन रीजन को हाईलाइट करने के लिए, दूसरों से सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सेग्रीगेट करने के लिए, एक तरीके से सेग्रीगेट मतलब ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें इंश्योर, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे भी होंगे तो मैं कहूंगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट कह दो, और मेरे पास कैसे होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल और ट्रांसफॉर्म या फिर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, ठीक है, ऐसे सेल्स जिनके पास हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, ठीक है। तो अब इन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम मार्कर्स यूज करते हैं, दो टाइप के मार्कर्स होंगे, स्क्रीनेबल मार्कर होंगे मेरे पास और मेरे पास सिलेक्टेबल मार्कर होंगे, ठीक है। स्क्रीनेबल मार्कर्स में क्या चीज है, स्क्रीनेबल मार्कर्स में हम करते हैं कि स्क्रीन आउट कर रहे हैं, कैसे कि लेट से एंटीबॉडीज, ठीक, सॉरी एंटीबायोटिक, मेरे पास कोई एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला जीन है जो सिर्फ किसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मिड में प्रेजेंट है, ठीक है, तब ऐसे होस्ट सेल, ठीक है, ऐसे होस्ट सेल जिन्होंने प्लाज्मिड को अपटेक किया है उनके पास वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आ गया, ठीक है, चाहे वो नॉन प्लाज्मिड नॉन रिकॉम्बिनेंट है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट है, बिकॉज तो प्लाज्मिड वो जो एंटीबायोटिक का वो जीन है किसका है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का पार्ट है, ठीक है। जीन को जब हम टारगेट जीन को इंसर्ट कर रहे हैं तो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो लेट से यहाँ पे प्रेजेंट है ये रहा, ठीक है, यहाँ पे वो जीन प्रेजेंट है, तो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट में भी है और रिकॉम्बिनेंट में भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट ट्रांसफॉर्म्ड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल में प्रेजेंट होगा वो होस्ट सेल के अंदर, बिकॉज उन्होंने अपटेक कर लिया ऐसे होस्ट सेल में, ठीक है, जिन्होंने अपटेक ही नहीं किया, इनके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है, तो जब वो सर्टेन एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होगी एनवायरमेंट में, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, ऐसे होस्ट सेल जिनके पास प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो ही ग्रो करेंगे, तो कौन से ग्रो करेंगे, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल ग्रो करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने हमारा सिलेक्टेबल मार्कर को यूज किया, ठीक है, इन्हें ग्रो कराने के लिए पास टारगेट जीन है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेट क्या आती है कि मैं नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को सॉरी ट्रांसफॉर्म सेल में भी मेरे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, मेरे को रिकॉम्बिनेंट चाहिए लेट से, ठीक है, तो मैं इसे कैसे सेपरेट करूं, तो क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्रीन आउट कर देते हैं कि एक सर्टेन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम फॉर्म करा रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट की डिटेक्शन हम करेंगे, डिटेक्ट करने पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से, ठीक है।
अब क्या होगा कि लेट्स से इसमें आप एग्जांपल ले लो, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेग जेड जीन का आप एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब क्या होता है नॉर्मल केसेस के अंदर, लेग जेड जो है ठीक है वो क्या करेगा, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो वो क्या करेगा, वो ब्रेकडाउन करेगा किसका, एक्स गैल का, ठीक है, और क्या कर देगा, ब्लू कलर की क्लोनिस प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, ठीक है, लेग जेड जी इंटैक्ट है, ठीक, तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस करेगा, एक्स गैल को सबस्ट्रेट है इसे ब्रेकडाउन कर देगा, ब्लू कलर की क्लोनिस प्रोड्यूस होंगी होस्ट सेल में, ठीक है, होस्ट सेल ब्लू कलर के होंगे, क्लियर। अगर मैं किस तरह से इस चीज को डिस्टर्ब कर दूं तो ये सब फिनोमेना नहीं होगा और व्हाइट कलर की क्लोनिस प्रोड्यूस होंगी, अभी भी दोनों फॉर्म हो रही है, ठीक है। एंटीबायोटिक वाले केस में क्या हुआ था कि एंटीबायोटिक की प्रेजेंस वाली जीन जिनके पास प्रेजेंट होगा वो ग्रो करेंगी, जिसके अंदर वो जीन डिस्टरप्ट हो गया या फिर है ही नहीं, एब्सेंट है, ठीक है, तो वो ग्रो नहीं करेंगी, ठीक। अब हमारी, अब मैंने क्या किया, मैंने जहां पर टारगेट जीन इंसर्ट किया ना वो है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, ठीक है। अब यहीं पर वो जीन प्रेजेंट है, देखो यहीं पर ये मेरा कौन सा जीन प्रेजेंट है, ये वाला, ठीक है, जो ये लेग जेड का जीन प्रेजेंट है। अब यहां पर तो इंटैक्ट है, किसमें, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिडियम में इंटैक्ट पड़ा है, तो यहां पर अभी भी ब्लू कलर की क्लोनिस प्रोड्यूस होंगी, लेकिन यहां पर बिकॉज मैंने इंसर्ट कर दिया, लेट्स से पहले जीन था, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में, अब मैंने इसके अंदर मेरा प्लाज्मिडियम इंसर्ट कर दिया, सॉरी टारगेट जीन, तो ये डिसरप्ट हो गया ना, ओरिजिनल जो था डिसरप्ट होने की वजह से इसके जस्ट फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये इंटैक्ट जीन नहीं है, तो अब ये जब इंटैक्ट नहीं है तो काम नहीं करेगा, एक्स स्केल को ये ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो ब्लू कलर की क्लोनिस प्रोड्यूस नहीं होंगी, व्हाइट कलर की क्लोनिस प्रोड्यूस होंगी। एंड इस बेसिस पे हम जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल से, ठीक है। तो ये हमारा फिनोमेना है सारा का सारा, तो ये हमारा इसलिए मार्कर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, वही चीज लिखिए आप वर्ड लेना आ जाएगी आपको समझ में, ठीक है। फिर चौथी बात क्या आती है कि उसके अंदर उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि और क्यों होना चाहिए लो मॉलिक्यूलर वेट, क्यों प्रेफर करते हैं कि वो मोर रेजिस्टेंस रहता है डैमेज से, ठीक है, बाय शेडिंग वगैरह जब हम सब प्रोसेस करेंगे तो, ताकि वो प्लाज्मा डैमेज ना हो, ठीक, और मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं हाई कॉपी नंबर अच्छी चीज है, ठीक। और ये बता रखे कि एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ना बेटर हो कि उस किसी वेक्टर के अंदर कम, मतलब ज्यादा वो ना हो मल्टीपल साइट्स, ठीक है, मतलब एक ही के लिए अगर बहुत सारे, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए बहुत सारे मल्टीपल साइट प्रेजेंट होंगी, ठीक है, तो हर जगह कट कट लग जाएंगे, ठीक है, फिर हमें तो चाहिए ना वो मल्टीपल क्लोनिंग साइट में जाके इंसर्ट करे, ठीक है, जहां पर एक प्रोमोटर प्रेजेंट है उसका अलग से वो होगा सिंथेसिस, होगा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, अगर कैंसर प्रेजेंट होंगे तो हमारा टारगेट जीन कहीं भी इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो तो इस बेसिस पे एक की लॉक इन की मैकेनिज्म के बेसिस पे इंसर्ट करेगा ना, कि भाई यहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों में हमने सेम यूज किया है, ठीक है, तो वो बस वो उसे थोड़ी पता है जहां स्पेस मिलेगा वो जुड़ जाएगा, अगर वो हमने सेम कंडीशन कहीं प्लाज्मा में कहीं जगह प्रोवाइड करके तो वो कहीं भी अटैच कर जाएगा, ठीक है, तो मेक श्योर कि थोड़ा छोटे मॉलिक्यूलर वेट के हों, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूलर वेट होंगे छोटा सा साइज होगा, ठीक है, और एज अ रिजल्ट कम चांसेस होंगे कि एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बहुत सारी साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था ये यहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है, अगली क्लास में हम इन्हें स्पेसिफिकली स्टडी करना शुरू करेंगे, जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज हैं उन्हें शेयर करें ताकि और भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज डोनेट करें ₹100 पर मंथ, इस आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको बेटर स्प्रेड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूं। तो थैंक यू फॉर माय लेज एक्सट्रीमा, सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।